अपडेट क्या है, जैसे कांवड़ यात्रा आने वाली है, आपको पता ही है काफी बड़ा मेला होता है जी, जी. तो उस हिसाब से क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? ठीक है, तो दोनों के ओनर हमारे साथ है, दोनों भैया हैं आप लोग जी. और साथ में भैया टीम भी होगी, भाई भाई हैं सब अपने. हाँ, जी, जी. तो अगर तो अभी कांवड़ तक तो आपका मेरे ख्याल में वही बुक रहेगा. हाँ जी, तो बाकी कांवड़ यात्रा के बाद होगा, दिक्कत नहीं है. अभी भी अगर बोलते हो कि एक दो तीन जितने ट्रोले बोलोगे आ जाएंगे, हाँ. पर तुम एक बार ऑर्डर करो. अब भी कोई ये कहता है कि हमें ट्रोले में चाहिए 10, 20, 20, 40 अवेलेबल है. हाँ जी, तो फिर से वेलकम भाई आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे. गाइस मैं राहुल, आप लोग देख रहे थे मेरठ एक्सप्लोरर्स. तो भाई लोग आज के लिए धूप में भटक रहे हैं भाई हम मड़ौत में, और अभी हम आ गए भाई बालाजी डीजे पर. बालाजी डीजे भाई काफी बढ़िया है. पहले एक बार भाई जरा धूप के हालात देखो कैसे चमक रही है भाई धूप, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में. आप लोग तो भाई कमेंट करते थे यार भाई राहुल भाई यहाँ की वीडियो नहीं ला रहे, यहाँ की नहीं ला रहे. तो कोई बात नहीं यार, धीरे करके लाऊंगा, देखो टाइम लगता है हर चीज में. तो आज हमने जो भाई बड़ौद का टूर लगाया और आज हम आए भाई बड़ौद में बालाजी डीजे के पास, श्री बालाजी डीजे है. तो अभी जो है भाई हम लोग आपको बैठ थोड़ा सा अंदर से दिखाएंगे किस प्रकार का, फिर इनके ऑनर से भी बात कराएंगे और साथ ही में क्या क्या अपडेट है भाई कांवड़ को लेकर के वो भी इनसे जानेंगे. तो अभी जो भाई इनके पास कैंटर है, काफी सारी कैंटर है. अब अंदर चलते हम थोड़ा इनके गोदाम में दिखाते हैं, अभी भी काम कर रहे थे. तो चलिए लेट्स गो चलते हैं. उससे पहले मगर जो जो भी चैनल में ना हो ना भाई सब्सक्राइब कर दो फटाफट, तुम्हारा भाई बड़े बड़े वीडियो लाता रहेगा. और जैसे कि मैंने यार पहले भी कहा कि यार देखो भाई ये तो बस शुरुआत है, मैं चाहता हूँ मैं पूरे इंडिया के बाहर के डीजे एक्सप्लोर करूंगा. अभी स्टार्टिंग करिए, बस सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, सपोर्ट करो बस बढ़िया से. तो लेट्स गो. तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो भाई ये है श्री बालाजी डीजे और ये भाई इनका अभी भी कार्य चल रहा था, मैंने इन्हें भाई बीच में डिस्टर्ब कराया. अभी जो है भाई हम आपको भाई पूरा गोदाम दिखाते हैं अंदर से किस प्रकार से है. तो अभी जो है अगर मैं बात कर लूँ आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे भैया की गाड़ियाँ खड़ी हुई है दो, और ये देख सकते हैं आप एलईडी पैनल के साथ है ये सारा, और ये रही और अंदर भी गाड़ियाँ हैं साथ में, ये भी खड़ी है एक पिकअप एंड. तो भैया साथ में भैया ये उत्सव डीजे भी आपको बता दे, और साथ में आप लोग देख सकते हैं बालाजी गाड़ी और उत्सव डीजे है, और मतलब ये मान लीजिए काफी बड़ा ही गोदाम है और काफी बड़ा है. भैया गाड़ी और आगे तक भी है क्या, और भी आगे गाड़ियाँ हैं क्या? अच्छा यही है, अच्छा और तीन इसमें एक हो रही, अच्छा एक लगभग 9 गाड़ियां हैं टोटल. तो अभी जो है हम अगर ओनर से बात करवाएं इनके, तो अभी चलते हैं हम, भैया ओनर है हमारे पास, तो लेट्स गो बात कर लेते हैं भैया से. पहले वो अब हमारे साथ आ चुके हैं भाई, उत्सव डीजे और बालाजी डीजे दोनों एक ही है क्या भैया? एक ही. चलिए ठीक है, तो दोनों के ओनर हमारे साथ है, दोनों भैया हैं आप लोग जी. और साथ में भैया टीम भी होगी, भाई भाई हैं सब अपने. तो अगर मैं बात कर लूं भैया अभी आपकी, लगभग कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए डीजे की लाइन में? 2005 से तो उत्सव है. अच्छा 2005 से उत्सव है. हाँ जी. अच्छा अच्छा. और 2010 से के आसपास से बालाजी. अच्छा मतलब 5 साल बाद ही आपने बालाजी का भी स्टार्ट कर दिया, श्री बालाजी अपने भाई महाराज. और अगर मैं बात कर लूं लगभग अभी कांवड़ की अपडेट क्या है, जैसे कांवड़ यात्रा आने वाली है आपको पता ही है काफी बड़ा मेला होता है जी, जी. तो उस हिसाब से क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? मतलब हमारे यहाँ से जो इलाके में है मोस्टली डाक कांवड़ का ज्यादा है. अच्छा डाक कांवड़ का ज्यादा क्रेज है. हमारे यहाँ ट्रोले वाला जांकी वाला ज्यादा नहीं होता. अच्छा अच्छा. डाक कांवड़ होता है. तो अभी आपका डाक कांवड़ में बुक है? हाँ. अगर मैं डाक कांवड़ की बात कर लूँ तो कितना कितना बुक है भैया? मतलब अभी हमारे पास 14 बुकिंग डाक कांवड़ की है. 14 बुकिंग जी. और आपके पास गाड़ी 9 है? नहीं हमारे पास 13 गाड़ियां हैं. अच्छा 13 गाड़ियां हैं. 13 गाड़ियां हैं. अच्छा 13 गाड़ियां आपके पास जी. और मतलब और भी कई गोदाम है क्या आपका? एक और गोदाम है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी. अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी मतलब वहां पे भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जी. तो मतलब अभी 13 आपके पास गाड़ियां हैं और 14 की बुकिंग है जी. तो यार मतलब आपने तो भैया गाड़ियों में ही कमाल कर रखा है. और डाक कांवड़ की बुकिंग है. और मतलब कांवड़ का मेला आप भैया कितने टाइम से कर रहे हो? शुरू से ही कर रहे हैं. अच्छा शुरू से ही कर रहे हो, मतलब 2005 से जब से उत्सव डीजे स्टार्ट करा है उस टाइम से डाक कांवड़ चल रहा है. और मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक किस तरीके से इंटरेस्ट हो, मतलब यार डीजे में आना चाहिए हमें, काम करना चाहिए, क्या मतलब क्या क्रेज था थोड़ा बताएंगे? नहीं मतलब दरअसल ऐसा रहा कि जैसे जो शुरुआत की थी हमने अपने इलाके में 2005 में, वो डीजे की हमने ही की थी. अच्छा. बड़े भैया थे तो उन्होंने ही डीजे का सेटअप यहाँ लाके इंट्रोड्यूस कराया था. अच्छा मतलब साउंड से रिलेटेड? साउंड से रिलेटेड. मतलब जो पहले था वो जागरण वगैरह का काम था और लोगों का. अच्छा डीजे शुरू किया था वो हमने किया था यहाँ बड़ौद में. अच्छा अच्छा. डीजे आप लोगों ने स्टार्ट करा था जी. और लगभग लगभग आज कितना 18 साल करीब हो गया आप जी. 18 साल हो गए हैं तो भाई काफी अच्छा काम चल रहा है और मैं मानता हूँ कि ऐसे काम चलता रहा है. और आपने कभी भैया डीजे प्ले भी करा है, ऑपरेट करा है या कैसा रहा है? नहीं काम तो सभी किया हमने, डीजे ऑपरेट भी किया, प्ले भी करवाया, सभी काम किया हमने, कोई दिक्कत नहीं आई. हाँ हाँ किसी तरह की. अच्छा अच्छा. हाँ. और ऑपरेटिंग वगैरह भी आप सब हाँ, कर लेते हैं? मतलब टोटली काम कर लेते हैं आप? हाँ, रिपेयरिंग वगैरह तो बस लड़के जाते हैं. लड़के हैं. अच्छा आप लड़के जाते हैं. एक डीजे है जी, और एक डीजे है बालाजी जी. दोनों एक ही डीजे है? दोनों एक ही डीजे. और भैया आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से उन्हें कांवड़ का अपडेट थोड़ा बताएंगे आप? कांवड़ अगर हाँ
कि मतलब जो बड़े सेटअप हैं वो हमारे यहाँ नहीं चलते, लेकिन अगर हमारे यहाँ चलें तो हम एक अलग ही तरह का माहौल लोगों के बीच में पेश कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी जो आपका जो ज्यादा क्रेज है वो डाक का, अभी हमारे इधर डाक का, अगर इन फ्यूचर कभी आया ट्रोले का तो आप उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे जी, आप उसमें भी आगे। हमारे इधर बढ़ोतरी पे है काम, पहले से पिछले 2-3 साल से इधर जंकी बड़ी कावड़ का प्रोग्राम चल रहा है, वो पहले से अभी ज्यादा है, अभी छोटा है क्योंकि अभी रोड क्लियर नहीं है हमारा, क्योंकि बिजली की लाइनें पेड़ वगैरह अच्छा अच्छा ये काफी नीचे है अभी। अच्छा अच्छा, रास्ता छोटा है, रास्ता मतलब रास्ता भी एक है और बाकी थोड़ा अगर होता है तो इन फ्यूचर अगर कभी आती है बुकिंग तो आप उसमें भी पीछे नहीं आते, टोला बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा अच्छा, और अगर मैं अब बात कर लूँ लाइक एक इंटरेस्ट होता है कि आपने बताया कि हमारे पिताजी ने आप साउंड इंट्रोड्यूस कराया था, तो मतलब आप लोगों का भी इसी में इंटरेस्ट आ गया? हाँ जी, डीजे में जी, डीजे की लाइन में जी। अच्छा चलिए, तो और कुछ अगर आप हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहे अपनी तरफ से कुछ भी आपके रिलेटेड जो भी हो आपके मन में? भाई हमारे तो यही है, देखो प्रोग्राम हम सभी प्रकार के कर लेते हैं, बिल्कुल। अब भी कोई ये कहता है कि हमें ट्रोले में चाहिए 10 बेस 20 बेस 40 बेस, अवेलेबल है, एक ट्रोला लो, दो लो, तीन लो। अच्छा हाँ, समान बहुत है। अच्छा समान बहुत है, समान बहुत है, कोई दिक्कत, दो ले लो चाहे तीन ट्रोले, तीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समान बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, भैया ने बताया कि भाई ट्रोले की कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अगर बोलते हो कि 1-2-3 जितने ट्रोले बोलोगे आ जाएंगे, पर तुम एक बार ऑर्डर करो, बाकी ट्रोले लाना हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। अच्छा थोड़ा बुकिंग का नंबर बताएंगे आप, बाकी थोड़ा ऊपर लिखा हुआ भी है बुकिंग, और अगर आप बोल देंगे तो काफी अच्छा लगेगा। बुकिंग का नंबर है 9259919040, ये सचिन तोमर के नाम से है, श्री बालाजी डीजे, और 9719273535 ये चीकू भाई का नंबर है जो उत्सव डीजे का। अच्छा अच्छा, और अगर मैं बात कर लूँ भाई, देखो दोनों डीजे के जो नंबर है मैं वो यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, कोई भी किसी भी प्रकार से बुकिंग कर सकता जी है जी। तो अभी कांवड़ तक तो आपका मेरे ख्याल में वही बुक रहेगा, हाँ जी। तो बाकी कांवड़ यात्रा के बाद होगा, और अगर मैं अगर मुरादाबाद की बात कर लूँ तो आप मुरादाबाद का भी मेला करते हैं या कैसे रहता है? नहीं, उस तरफ से हमारे यहाँ कोई लिंक नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज है क्योंकि काफी दूर पड़ जाता है, काफी दूर हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना 10 मिनट का समय दिया, और थोड़ा सा हम अपने सब्सक्राइबर्स को फ्रेंड कैमरे करके बात करते हैं थोड़ी सी आपके साथ जी। सो फाइनली गाइस, ये थे हमारे साथ बालाजी और उत्सव डीजे के ओनर, और काफी अच्छा लगा भाई इनसे बात करके, और आशा करता हूँ भाई आप लोगों को भी पसंद आया होगा इनका इंटरव्यू, वैसे तो छोटा सा इंटरव्यू था और काफी मतलब अच्छा भैया ने हमें बताया अपने डीजे के बारे में, काफी अच्छा लगा मैं जान करके। और भैया लगभग 2005 से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गए भैया को भी काम करते हुए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी सारी गाड़ी है, और प्रभु की कृपा से मैं तो बोलूंगा 13-14 नहीं भाई 25-30 हो जाए आराम से चलता रहे बस कार रेसिंग प्रकार, और ट्रोले 1-2-3 नहीं पूरे 10 ट्रोले जाए। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा हमें, और हमारे साथ सचिन भैया और चीकू भैया दोनों, तो आप चीकू भैया है ना आपका? ये अक्षय भाई है। अच्छा अक्षय भैया, चीकू भैया नहीं, चीकू भैया भी बाहर है। अच्छा बाहर है भाई, चलिए भैया कोई बात नहीं, चीकू भैया कोई बात नहीं, आपकी कमी भी पूरी है, बहुत बहुत।